Hey guys, आज हम Squid Game Part 5 में सीरीज फिनाले के एपिसोड One Lucky Day को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। सेबियोक के मर्डर के बाद स्टाफ सांगवू और जियोन को सिक्स और फाइनल राउंड के लिए ले जाता है। स्टाफ बताता है कि गेम के लिए प्लेयर्स को या तो ऑफेंस में रहना होगा या डिफेंस में। जियोन टॉस जीतता है और ऑफेंस चूज करता है। स्टाफ दोनों को उसी फील्ड पर ले जाता है जहाँ उन्होंने रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम खेली थी। फील्ड के बीचों बीच स्क्विड की ज्योमेट्रिकल शेप बनी हुई थी। सारे वीआईपीज गेम को ऊपर से देख रहे थे। ओवरसीयर एक्सप्लेन करता है कि लास्ट गेम को स्क्विड गेम कहा जाता है, जो काफ़ी सालों पहले बच्चे साउथ कोरिया में खेला करते थे। अटैकर जियोन स्क्विड के बीच में होना चाहिए। गेम जीतने के लिए उसे डिफेंस सांगवू को क्रॉस करके स्क्विड के फेस को अपने फुट से टैप करना होगा। अगर सांगवू स्क्विड की फिगर से जियोन को बाहर फेंक देता है तो वो जीत जाएगा। अगर दोनों में से कोई प्लेयर किसी भी कारण से गेम कंटिन्यू नहीं कर पाएगा तो जो प्लेयर अंत तक डटा रहेगा वो जीतेगा। फील्ड पर जियोन स्टाफ से पूछता है कि किस कारण से वो गेम को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। स्टाफ कहता है कि अगर कोई प्लेयर मारा जाए तो गेम खत्म हो जाएगी। मतलब ये कि एक दूसरे को मारना इस गेम में फेयर है। ओवरसीयर वीआईपीज को बताता है कि स्क्विड गेम में हर तरह का वायलेंस अलाउड है। जियोन अपनी पोजीशन लेता है और शूले से उसको बांधकर अपने पुराने दोस्त से फाइट के लिए रेडी हो जाता है। सांगवू नाइफ के साथ अपनी पोजीशन लेता है। गेम स्टार्ट होती है और जियोन सांगवू से पूछता है कि क्या उसे याद है कि बचपन में कैसे वो ये गेम साथ में खेलते थे। जब सांगवू उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो जियोन उसकी आंखों में मिट्टी डाल देता है। इससे वो आसानी से स्क्विड की नेक तक पहुँच जाता है। उसी समय आसमान में बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। सांगवू जानता था कि जियोन सेबियोक की मौत से दुखी है। वो कहता है कि सेबियोक वैसे भी मरने वाली थी क्योंकि उसका जख्म बहुत गहरा था। उसने सेबियोक को दर्द में तड़प तड़प कर मरने के बजाय आसान मौत दे दी। जियोन उसकी ये थ्योरी नहीं मानता। वो कहता है कि सांगवू एक लालची आदमी है जिसने अपने लालच के चलते कई जानें ले ली। सांगवू फाइनली उसे सच बताता है कि उसने सेबियोक को इसलिए मारा क्योंकि जियोन उसे बचाने के लिए पूरी गेम को रोक देता। मेजॉरिटी गेम के अगेंस्ट वोट करती और सांगवू को प्राइज मनी के इतना करीब आकर घर खाली हाथ लौटना पड़ता। जियोन अपनी नाइफ निकालता है और सांगवू को बताता है कि कैसे पिछली रात सेबियोक ने उसे सांगवू को जान से मारने से रोका। वो कहता है कि सांगवू को किसी भी कीमत पर वो प्राइज मनी नहीं ले जाने देगा। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है। दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है। थोड़ी देर में दोनों की नाइफ्स गिर जाती हैं। इसके बाद दोनों हाथों से लड़ना शुरू करते हैं। दोनों कीचड़ में सन जाते हैं और लड़ते लड़ते थक जाते हैं। फिर भी संघर्ष जारी रहता है। सांगवू के हाथ एक नाइफ लग जाती है और वो जियोन की थाई पर उसे चोट कर देता है। जियोन दर्द में कराह रहा होता है जब सांगवू उससे पूछता है कि उसे ये ग्राउंड पिछले गेम से याद है। वो जियोन पर अटैक करके उसे मारने वाला होता है पर नाइफ जियोन के हाथ के आर पार हो जाती है। जियोन सांगवू के पैर पर दांतों से काट लेता है और पूरा मैच घूम जाता है। थोड़ी देर में ही जियोन सांगवू के ऊपर बैठकर उस पर नाइफ से अटैक करता है। उस वक्त सांगवू को मारने के बजाय वो उसके सिर के पास मिट्टी में नाइफ को स्टैब करता है। जितना बुरा सांगवू ने किया था उस सब के बावजूद जियोन अपने दोस्त को नहीं मारना चाहता था। वो खड़ा होता है और चलकर स्क्विड के फेस तक जाता है। वीआईपीज जियोन को विनर डिक्लेयर करते हैं। इस पर स्टाफ सांगवू पर गन को पॉइंट कर देता है। जियोन स्क्विड के फेस पर पहुंचकर रुक जाता है। वो पीछे मुड़ता है और स्टाफ को सांगवू को शूट ना करने को कहता है। वो पूछता है कि अगर वो दोनों गेम को टर्मिनेट करने के लिए वोट करेंगे तो क्या वो दोनों जिंदा बाहर निकल सकते हैं। स्टाफ ओवरसीयर को फोन करके पूछता है कि क्या ये पॉसिबल है। वीआईपीज शॉक हो जाते हैं कि जियोन अपने उस धोखेबाज फ्रेंड के लिए इतना हार्ड वर्क और पैसा कैसे छोड़ सकता है जिसने अभी थोड़ी देर पहले उसे जान से मारने की कोशिश की थी। सांगवू जियोन से पूछता है कि क्या उसे बचपन में याद है कि जब उसकी माँ उन दोनों के लिए खाना बनाया करती थी जब वो दोनों गेम से खेल कर वापस आते थे। जियोन अपना हाथ बढ़ाकर सांगवू को घर चलने को कहता है। सांगवू जियोन से माफ़ी मांगता है और पास पड़ी नाइफ से अपनी जान ले लेता है। जियोन शौक में उसे गोद में उठा लेता है। सांगवू अपनी माँ के बारे में कुछ कहने की कोशिश कर रहा था पर बात अधूरी रह जाती है और वो दम तोड़ देता है। जियोन अपने दोस्त की मौत पर खूब रोता है। जियोन फाइनली गेम जीत जाता है और उसे 456 बिलियन वॉन मिलते हैं जो कि करीब 3 अरब रुपए हैं। अगले सीन में जियोन एक लेमोजीन में ओवरसीयर के साथ बैठा था।
उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और हाथ भी बंधे हुए थे। ओवरसियर उसे गेम जीतने के लिए कंग्रेचुलेट करता है, पर जियोन उससे पूछता है कि वो कौन है। उसका जवाब देने के बजाय ओवरसियर गैस वेल्व्स को ऑन कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उनकी लिमोजीन में से एक आदमी उसे बाहर सड़क पर फेंक देता है और दूसरा आदमी उसकी आंखों पर से पट्टी हटाता है। जियोन को अपने मुंह में कुछ फील होता है और वो उसे थूकता है, जो कि एक क्रेडिट कार्ड था। वो सीधा एटीएम में जाता है और कार्ड को इंसर्ट करता है। ज़्यादा सोचे बिना वो अपना प्लेयर नंबर 0456 पिन के रूप में एंटर करता है। जियोन 10,000 वॉन का नोट विड्रॉ करता है और देखता है कि उसके अकाउंट में अभी भी करीब 456 मिलियन वॉन हैं। पर जियोन खुश नहीं दिखता। उसके लिए 455 लोगों की जानों के सामने ये अमाउंट कुछ नहीं था। वो नोट लेकर घर की ओर निकलता है। रास्ते में सैंगो की मदर उसे रोककर उसकी चोटों के बारे में पूछती है। वो अपने बेटे के बारे में भी उससे पूछती है कि क्या सैंगो से उसकी कोई बात हुई या उसे पता हो कि वो कहाँ है। जियोन मुश्किल से अपने आंसू रोक पाता है, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही उसके दोस्त ने उसकी गोद में दम तोड़ा था। वो सैंगो की मदर को एटीएम से निकला हुआ 10,000 वॉन का नोट देकर अपने घर के लिए निकलता है। घर पे वो अपनी माँ को फर्श पर पड़ा देखता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं उठती। जब जियोन गेम खेल रहा था, उसी दौरान उसकी माँ की मौत हो गई थी। वो रो रो कर अपनी माँ के पास लेट जाता है। वो गेम में वापस सिर्फ अपनी माँ की वजह से गया था, क्योंकि वो अपनी माँ की ट्रीटमेंट के लिए पैसे लाना चाहता था। पर वो इस तरह उसे छोड़कर जाएगी, ये जियोन ने कभी नहीं सोचा था। कहानी एक साल आगे बढ़ती है। जियोन ट्रेन में कहीं जा रहा था। जियोन को देखकर लगता है कि उसका वक्त एक साल पहले ही थम गया था। उसके बाल और दाढ़ी बढ़ गए थे और वो एक होमलेस आदमी की तरह दिखाई दे रहा था। वो बैंक में जाता है, जहां उसका पैसा फैसिलिटी ने ट्रांसफ़र किया था। मैनेजर उसका बैंक बैलेंस देखकर बहुत ही सलीके से उससे बात करता है। वो जियोन को दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने की सलाह देता है, ताकि उसे ज़्यादा ब्याज मिले। पर जियोन सब में इंटरेस्टेड नहीं था। जियोन मैनेजर से 10,000 वॉन उधार मांगता है, जिस पर मैनेजर कन्फ्यूज़ हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतना अमीर आदमी उसे पैसे क्यों मांगेगा। फिर भी वो उसे पैसे दे देता है। जियोन उस पैसे से कुछ शराब लेकर बीच पर बैठ जाता है। एक औरत जो रोज़ेस बेच रही थी, उसे रोज़ खरीदने की रिक्वेस्ट करती है। जब वो रोज़ खरीदता है, तो देखता है कि रोज़ के साथ एक छोटा सा एनवलॉप भी है। उसके अंदर स्क्विड गेम का एक गोल्डन कार्ड निकलता है, जिसके पीछे एक एड्रेस और टाइम लिखा था। जियोन ये जानने के लिए उत्सुक हो उठता है कि इस सब के पीछे कौन है। वो एड्रेस पर पहुंचता है और जब अंदर जाता है, तो उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शौक मिलता है। अंदर इनाम उसका वेट कर रहा था। जियोन अपने आप को संभालता है और शांति से इनाम से पूछता है कि वो असलियत में कौन है और क्या वो गेम का मास्टरमाइंड है। इनाम उसके सवाल को इग्नोर करके सड़क पर पड़े एक शराबी पर पॉइंट करता है और जियोन से पूछता है कि इतना कुछ होने के बावजूद क्या उसे अभी भी लोगों पर ट्रस्ट है। जियोन इरिटेट होकर अपना सवाल दोहराता है। इनाम फिर कहता है कि वो एक गेम खेलना चाहता है। अगर 12 बजे से पहले किसी ने भी उस आदमी की मदद की, तो जियोन जीत जाएगा और इनाम उसके सारे सवालों के जवाब देगा। अगर किसी ने उस आदमी की मदद नहीं की, तो इनाम जीतेगा। जियोन के सब्र का बांध टूट गया था, तो वो इनाम का कॉलर पकड़ लेता है। इनाम कहता है कि अगर वो मर गया, तो जियोन को उसके सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे। जियोन को बात समझ आ जाती है और वो घड़ी की ओर देखता है, जहां 12 बजने में अभी भी 25 मिनट थे। वो दो उस आदमी को और साथ में गुजर रहे लोगों को देखते हैं, जिसमें से कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। कुछ देर में जियोन अपना सवाल दोहराता है। इस पर इनाम जवाब देता है कि वो गेम का मास्टरमाइंड है। इनाम बताता है कि वो और उसके कुछ बहुत अमीर दोस्त अपने डेली लाइफ से बोर हो गए थे। उनके पास पैसा तो बहुत था, पर लाइफ में कुछ एक्साइटिंग करने को नहीं था, तो उन्होंने ये सब प्लान किया ताकि उनकी बोरिंग लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग हो सके। इनाम जियोन से दोबारा इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि उसने प्राइज में जीते हुए पैसों में से कुछ भी नहीं खर्च किया और वो अभी भी अपनी पुरानी ज़िंदगी जी रहा था। इनाम पूछता है कि क्या उसने पैसे इसलिए नहीं यूज़ किए कि उसे लगा कि बाकी प्लेयर्स की मौत के लिए वो खुद ज़िम्मेदार है। इस पर जियोन कहता है कि गिल्टी उसे नहीं, इनाम को फील करना चाहिए, क्योंकि इनाम की वजह से ही इतने लोगों की जान गई। इनाम कहता है कि प्लेयर्स का गेम में आने का डिसीजन खुद का था, उसने कभी भी किसी प्लेयर को फोर्स नहीं किया। जियोन पूछता है कि ये इनाम आराम से बैठकर उन सबको देख सकता था, तो उसने गेम को खुद क्यों ज्वाइन किया। इनाम कहता है कि वो अपने बचपन के दिनों को मिस करता था। वो चाहता था कि मरने से पहले वो अपने बचपन को एक बार फिर से जिए।
उनकी बातचीत के दौरान एक आदमी उस शराबी के पास रुकता है पर उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। इनाम आगे कहता है कि उसे गेम ज्वाइन करने का कोई अफसोस नहीं है क्योंकि वो गेम खेलने के दौरान बहुत खुश था। इतना खुश वो बहुत अरसे से नहीं हुआ था। 12 बजने से कुछ सेकंड पहले एक पुलिस की कार उस आदमी के पास रुकती है। जो व्यक्ति पहले उसके पास रुका था वो पुलिस को मदद के लिए बुलाकर लाता है। जीउन बैट जीत जाता है पर उतनी देर में इनाम की सांसें थम जाती है। जीउन उसे आखिरी बार देखकर कमरे से निकल जाता है। हमें 5th गेम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ गेम का ऑर्गेनाइजर और कोई नहीं बल्कि इनाम था। इन्हो आकर इनाम की आंखों को बंद कर देता है। अगले सीन में जीउन पार्लर में होता है जहाँ वो एक साल के बाद हेयर कट के लिए जाता है। उसे इनाम से अपने कुछ सवालों के जवाब मिल गए थे इसलिए वो कुछ अच्छा महसूस कर रहा था। वो पार्लर से न्यू हेयर कलर और हेयर कट करके निकलता है। वो सेबियोक के भाई से मिलने अनाथालय जाता है। सेबियोक से किए प्रॉमिस को पूरा करने का समय आ गया था। सेबियोक का नाम सुनकर उसका भाई जीउन से बातचीत करना शुरू कर देता है। वो सैंगो की मदर के पास उसे ले जाता है। सैंगो की मदर उसे देखकर बहुत खुश होती है और बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती है। जीउन उसे एक सूटकेस देकर वहां से चला जाता है। बच्चे का जैकेट निकालने के लिए जब सैंगो की मदर सूटकेस खोलती है तो पूरा सूटकेस पैसे से भरा था। वो जीउन को आवाजें लगाती है पर तब तक वो जा चुका था। जीउन मेट्रो स्टेशन पर अपनी बेटी से फोन पर बात कर रहा था। वो एक साल के बाद उससे मिलने यूएसए जा रहा था। स्टेशन पर उसे गेम का सेल्समैन दिखता है जिसकी वजह से वो इस सब में फंसा था। वो डाकची की गेम किसी नए आदमी के साथ खेल रहा था। वो जीउन को देखकर स्माइल करता है। जीउन उसे पकड़ने भागता है पर वो आदमी मेट्रो में वहां से निकल जाता है। वो उस आदमी से कार छीन लेता है जिसके साथ वो सेल्समैन गेम खेल रहा था और वहाँ उसे कभी नहीं जाने को कहता है। जीउन एयरपोर्ट पहुँचता है और प्लेन में चढ़ने से पहले कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करता है। दूसरे एंड से एक आदमी उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये पूछता है कि क्या वो गेम खेलना चाहता है। जब जीउन नाम बताता है तो वो आदमी हैरान हो जाता है। जीउन कहता है कि वो कोई घोड़ा नहीं है जिस पर वो लोग बैठ करके जीत सकें। वो आदमी उसे नंबर 456 कह के बुलाता है। वो जीउन को फ्लाइट में चढ़कर अपनी लाइफ स्मूथली जीने की सलाह देता है। जीउन कहता है कि वो उन सब लोगों को कभी नहीं माफ़ करेगा जिन्होंने उसे ये गेम खेलने पर मजबूर किया। वो फ़ोन काट कर वापस मुड़ जाता है क्योंकि उसने स्क्विड गेम को ख़त्म करने की ठान ली थी। इसके साथ ही स्क्विड गेम का पहला सीज़न ख़त्म होता है। आप सबको पहला सीज़न कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।